ठीक है, आपने इमेज ले ली, आप इस टाइप से ऑनलाइन जो एजुकेशन लिया है आपने टॉपिक, इस टॉपिक पे आप और भी स्लाइड तैयार कर लेंगे। ठीक, अब जैसे कि आपके दोनों सेम आ रही है, अगर आपको ये लेआउट चेंज करना, तो ये लेआउट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे अपना से ब्लैंक ले लेंगे, इसके पीछे को किसी और मतलब थीम देनी, तो आप इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड पे, और यहाँ पे आपकी चूज इमेज, अपन यहाँ से अपने पास ऑफलाइन है तो अपन ऑफ यहाँ से ब्राउजर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं और यहाँ से डन करते हैं, तो देखिए वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना हो तो ये लेआउट दिया है तो आप यहाँ से लेआउट सेलेक्ट करना, जिस भी टाइप का लेआउट लेना हो। तो आ जाएगा आप सभी को। अब इसकी वजह से आपने फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट की, तो यहाँ पे थ्री डॉट्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप जिस स्लाइड को किस प्रीव्यू में शो कराना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ से ये दे सकते हैं। अभी आपका यहाँ पे नन है, आप यहाँ पे किस पोजिशन में देना मतलब वो देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अब आप एक में जो दे रहा है सभी में वो ही देना है, तो हम क्या करेंगे, आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड। अब आप देखिए सभी में सेम आ जाएगा ये, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आप अल्टर F5 करेंगे, वो सभी में आया ये सेम आ रहा, अपन इतनी ली थी वो अपन बैक चलती है। अगर अलग अलग देना है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने एक केस टाइप कर लिया वो ले लेंगे, इस पे ये दे दिया सभी। अब इस पे हम दूसरा देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, फिर यहाँ पे ये देखिए फास्ट मीडियम या स्लो, इसकी स्पीड रहती है ना, अपन ने ड्यूरेशन किया हुआ था ऑफलाइन, कितने फास्ट स्लो कितने स्लो या फिर मीडियम, वो स्पीड आप यहाँ पर उसकी रख सकते हैं। तो हम यहाँ से ये ले लेते हैं और इस वाली में हम ये ले लेते हैं। अब आप अल्टर F5 करेंगे, अरे ये स्टार्टिंग से नहीं आया, अल्टर F सॉरी कंट्रोल F5 करेंगे, कंट्रोल F5 करना, अल्टर नहीं करना, हमने शायद अल्टर बोल दिया है ना, सॉरी सॉरी अपन अल्टर नहीं बोला, हमने क्या बोला है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने अलग अलग दिए हैं, इस तरह से सो जाएगा, तो आ जाएगा आपको ऑनलाइन बनाना ही। तो आपका यहाँ पे ऑफलाइन भी बता दिया हमने, ऑनलाइन भी बता दिया। अब जैसे आपको शेयर करना हो, आप यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है स्लाइड्स से, इसके ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे स्लाइड्स के ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से भी आप स्लाइड्स को करा सकते हैं। ठीक, अगर आपको कंट्रोल के साथ F5 नहीं करना तो यहाँ से करा सकते हैं, फिर ये प्लस का साइन है इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको किन किन पर्सन को मतलब शेयर करना है, यहाँ से आप शेयर कर लें, जैसे कि यहाँ पे स्नेहा की आई डी आ रही है, और भी जिसकी लेनी हो आप वहाँ पे उनकी आई डी ले लेंगे, और यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे आप, व्यूअर कमेंटर एंड एडिटर, आप वहाँ से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना आप उसको सेलेक्ट करके सेंड कर देंगे। ये तीनों ऑप्शन हमने आपको बताए हुए हैं, एडिटर में क्या होगा, सामने वाला पर्सन एडिटिंग कर पाएगा, व्यूअर में क्या होगा, ओनली सामने वाला पर्सन देख पाएगा, और कमेंटर में ओनली कमेंट दे पाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए फाइल है आपका, फाइल पे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। अब जैसे इस प्रेजेंटेशन को आपको डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से PDF में करना चाहते हैं, JPG में करना चाहते हैं, PNG में, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट मिल रहा है आपको डाउनलोड में, तो हमें ऐसे मान के चलिए हमें क्या करना है, PDF में करना है, तो यहाँ से अपन PDF सेलेक्ट करेंगे। PDF रहती है बहुत सारी, जैसे सभी स्लाइड्स हैं आपके सभी एक साथ आ जाएंगे, PDF आप देखेंगे नोट्स वगैरह के PDF, और JPG फॉर्मेट क्या होता है, इमेज का फॉर्मेट वो रहता है, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो देखिए ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, PDF में डाउनलोड हो जाएगा आपको प्रेजेंटेशन। तो यहाँ से भी आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, जिस भी टाइप से आपको ये इसका यूज करना है। ठीक है, तो आ जाएगा आपको ये, कुछ और इसमें पूछना हो तो वो पूछ लीजिए। अगर आपको जैसे नहीं,
ये हाँ ये टैक्स है। हाँ प्रेजेंटेशन के पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस का फॉर्म डिजाइन करना हो, रिपोर्ट तैयार करना हो आपको, और डाटा को मैनेज करके रखना हो, इस टाइप का होता है। ठीक है, जब आपके पास जैसे कि बहुत बड़ा बिजनेस होता है, और आप देखते हैं टीवी में मीटिंग्स होती हैं, टीवी में सभी स्टूडेंट ने देखा होगा नाटक में या टीवी मतलब मूवी वगैरह में, जो लोग जॉब करते हैं तो उनकी मीटिंग होती है बड़े से हॉल में, तो प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाते हैं, वो यही प्रेजेंटेशन इसी पे बनाते हैं, इसी के द्वारा समझाया जाता है। जैसे आप कहीं पे जॉब करेंगे तो आपसे जॉब में जहां भी रह मतलब आप जॉब कर रहे हो, उन्होंने बोल दिया कि आप इस पे कुछ अच्छा सा तैयार करके लाइए। हाँ, फिर अपन बताते हैं अपने अकॉर्डिंग, वही रहता है। ठीक है, तो आ जाए, क्लोज कर दे।